संस्कृति के आज के एपिसोड में हम आए हैं संतोष पारिक जी के पास। राजनीति की जो हमारी चुनावी चौपाल चल रही है, इसमें हम विधानसभा चुनाव को लेकर पारिक जी से चर्चा करते हैं। पारिक जी, स्वागत है। सीधी सीधी बात करें तो विधानसभा चुनाव सिर पर आ गया है, बीजेपी की क्या स्थिति देखते हैं आप? चुनाव तो राजनीतिक दल के लिए महत्वपूर्ण होता ही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का ये जो मानना है, तो भारतीय जनता पार्टी 365 दिन 24 घंटे निरंतर सतत चुनाव को ध्यान में रखते हुए नहीं, मूल में गांव गरीब और किसान, झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले इंसान को ध्यान में रखकर सदैव काम करती है। क्योंकि हमारा मानना ही है, हमारा जो भाजपा का पहले जनसंघ का जो प्रभुवाई हुआ है, हमने जो बनाई है, उसमें मूल में केवल ये है, ये भारत वर्ष जो 13 वैभव हमारे रहे मां, हम दिन चार रहेगा रहे। भारत को विश्वगुरु बनाने के लिए, मध्य प्रदेश को स्वर्णिम बनाने के लिए हम चुनाव में हैं, हम राजनीति में हैं, और उसके लिए हम सदैव लोगों के लिए काम करते हैं, लोगों के हित के काम करते हैं। उसके लिए फिर दो प्रकार के विकास होते हैं, एक व्यक्तिगत होता है और एक हमारा मूलभूत ढांचे का होता है। तो मूलभूत ढांचे में आज हम पुराने और आज की तुलना करेंगे तो उसमें हम तुलना कर सकते हैं। व्यक्तिगत में भी अगर हम परिवार की इकाई की बात करें तो परिवार में पहले का परिवार में जो सरकार के द्वारा सुविधाएं मिलती थी, तो आज जो सरकार के द्वारा परिवारों में सुविधा मिलती है, हम उसमें बात करें तो हम उसमें भी हम विचार कर सकते हैं। हर मामले में भारतीय जनता पार्टी की ज्यादा सरकारें हैं, वहां वहां पर भारतीय जनता पार्टी ने विकास, समृद्धि, खुशहाली, तरक्की ये स्वतः दिखती है। क्योंकि उसका दिखने का कारण भी है कि भाजपा का हमारा ऐसा मानना है कि जहां जहां भाजपा की सरकार होती है वहां उन्नति होती है, विकास होता है, तरक्की होती है, खुशहाली होती है, चेहरे पर चमक होती है। और वो इसलिए होती है, हमारे यहां बोला कि सबसे पहले अगर राजनीति में कुछ करना है तो क्या मूल चीज होना चाहिए? नंबर एक, उस दल का नेता ठीक होना चाहिए। नंबर दो, उस दल की नीति ठीक होना चाहिए। और नंबर तीन, उस नेता की नीयत ठीक होना चाहिए। आज हम बड़े सौभाग्य की बात कर रहे हैं कि आज हमारे जो दिल्ली में, भारत में जो हमारी सरकार है, उसका जो नेतृत्व कर रहे हैं भाई नरेंद्र भाई मोदी जी, वो भारत के नहीं, आज दुनिया में जहां भी जाते हैं वहां अपने को लगता है वहां पर रहने वाले हमारे जो भारतीय हैं वो भारतीय गुणों का अनुभव करते हैं। तो वास्तव में और आज वो भारतीय लोग हैं, उनको लगता है कि नहीं हम वास्तव में भारतीय हैं। इसलिए अभी सम्मिट हुआ जी ट्वेंटी आज देख रहे हैं, तो ये सारी चीजें ऐसा कैसा प्रदेश का है। प्रदेश में भी पहले हमारा प्रदेश क्या था, हमारा प्रदेश कैसा था, तो मुझे लगता है कि हम लगभग 20 साल से चुकी, तो हमारा 20 वर्ष हो जाएगा पार्टी को। तो अब जो मतदाता है उस मतदाताओं को तो दिग्विजय सिंह का कुशासन, दिग्विजय सिंह का हाल, दिग्विजय सिंह के सरकार के समय के शासन के बारे में जानकारी नहीं है, उसको पता ही नहीं है। तो उसके लिए आप देखेंगे अगर पुराने लोगों से अगर बातचीत करेंगे तो सड़कों की क्या हालत थी। यहां मैं आपको बताऊं विपिन भाई, यहां से निपानिया लगभग 2 किलोमीटर 2.5 किलोमीटर, निपानिया से बच्चे माता पिता अपने बच्चों को लेकर सीधे वाले में रहते थे क्योंकि निपानिया जाने का रास्ता नहीं था। आगरा बांदे रोड पर भरलाए है 4 किलोमीटर दूर, भरलाए से प्रकाश करके हमारा कार्यकर्ता था, वो भरलाए नहीं जा पाता था, उसको अपने बच्चों को लेकर तुम सीधी करते तुम्हारे पास भी गाँव है, बोले आने वाले में इतनी दिक्कत है, वो सीधे में बच्चे परिवार किराए का मकान लेकर अपने बच्चों को पढ़ता था। यानी भरलाए जाने की हमारी ये स्थिति थी। हम जब यहां से नर्मदापुरम यानी आज हो गया है होशंगाबाद था, तो होशंगाबाद भी हम बस से सफर करते थे पुराने समय में, आप पूछना तो बस से सफर करते तो हम नर्मदापुर होशंगाबाद पहुंचाएंगे ये भी गारंटी नहीं थी। वहां से बस में बैठते थे तो वापस सीनीमढ़ में आ जाएंगे, डेरेखेड़ी के आसपास ना ट्रक फंस गई है, बस फंस गई है। यानी कुल मिलाकर हम मूल जिला केंद्र इधर नहीं पहुंच सकते थे, इधर हरदा जो हमारा जिला केंद्र बन गया उधर हम हरदा नहीं पहुंच सकते। ये मुख्य सड़कों की हालत थी, गांव की तो मैं बात ही नहीं कर रहा हूं। लेकिन आज सड़कों के मामले में हम बहुत अच्छी स्थिति में, आज गांव गांव में सड़कें,
गांव गांव में समझ में एक दूसरे से गांव में जाने की कनेक्टिविटी है। अब हम तो गोयो का बनाने का निर्माण कर रहे हैं। और इसके बाद बिजली, बिजली को ये स्थिति मान लो कि आजादी भी रखो लोगों से, बिजली के तारों में गांव में मजाक होती थी कि वो तार जो है ना बिजली के कपड़े सुखाने के काम आते थे, उसमें इसमें कपड़े डालते, करंट नाम की चीज नहीं था। यहां शहर में जो है आए दिन हमने बिजली को लेकर बहुत आंदोलन किए, हमने तो, मैं तो खुद बिजली को लेकर, क्योंकि हमारे यहां पर अस्पताल है, अस्पताल में प्रसूति होती है, तो उस प्रसूति में के समय अस्पताल में सीरियस पेशेंट होने के कारण उनमें जैसे किलमिलाते थे, तो हमने कीजिए अस्पताल को तो ठीक से बिजली नहीं है जो जिला केंद्र में मिलती है, उसको लेकर मेरे खुद ने जनता के सहयोग से हाईकोर्ट में जाकर पिटीशन लगाया, हाईकोर्ट से जवाब मंगवाया कांग्रेस सरकार में। लेकिन आज गांव में, शहर में 24 घंटे, गांव में 24 घंटे बिजली उपलब्ध है, किसानों के लिए बिजली उपलब्ध है। तो उसके लिए बिजली के मामले में लोगों को हम आत्मनिर्भर हुए, उसकी बात कर रहे हैं, हम विद्यालय की बात कर रहे हैं, महाविद्यालय की बात कर रहे हैं। हर मामले में जो मध्य प्रदेश को बीमारू प्रदेश बोला जाता था, जिस मध्य प्रदेश को जो पिछड़ा प्रदेश बोला जाता है, जिस मध्य प्रदेश को जो है तो वो सारे मामले में आज हम मध्य प्रदेश जो है आज अग्रणी भूमिका में हमारे हिंदुस्तान में है। और जिस प्रकार हिंदुस्तान के बारे में दुनिया में बोला जाता था कि हिंदुस्तान से कोई हमारा नेता अगर प्रदेश में जाता था, चाहे वो प्रधानमंत्री हो चाहे राष्ट्रपति जी हो, तो हमको बाहर मिलने के लिए क्यों न खड़ा होना पड़ता था। लेकिन आज हम बड़े स्वाभिमान के साथ कह रहे हैं कि आज हमारा देश का नेता, हमारे देश के माननीय नरेंद्र मोदी जी सेंटर में होते हैं, और क्यों वे बाकी के देश में खड़े होते हैं। ये भारत का है, ये भारत की संस्कृति का पुनर्स्थापना जो है, कि वसुधैव कुटुंबकम का जो भाव है, उस भाव को लेकर हमारी सरकार, हमारे मोदी जी चल रहे हैं। सर्वे रोहंतु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु वाम हो, ये जो हमारा मूल मंत्र है, हमने हमेशा नारा लगाया भारत में कि धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो और विश्व का कल्याण हो। तो वास्तव में विश्व के कल्याण करने के लिए, अभी टीका कोविड काल में आप देखिए, हमारे पुराने समय में पोलियो करके एक बीमारी होती थी, चेचक करके एक बीमारी होती थी, उसके टीके 300 साल में भारत टीका नहीं लगा पाया। लेकिन आज उन साइंटिस्टों को, उन जो जनों को ताकत दी, उनको बोला कि नहीं तुम सब कर सकते, निज को तो जान, जरा शक्ति पहचान, तेरी आत्मा में स्वयं भगवान है, मनुष्य तू बड़ा महान है। इस बात को लेकर जनता बोला नहीं तुम सब कुछ कर सकते हो, ये भाव लेकर वैज्ञानिकों में, ये भाव लेकर साइंटिस्टों में जब ये बातचीत आई, तो उन्होंने देखा आपने कोविड स्वदेशी टीका हमारा अभी कोविड का बना दिया, और उसके लिए हमारे हिंदुस्तान के सब भाई बहनों की तो जान बची बची, हमने अन्य देशों में भी वो टीका पहुंचाकर सर्वे उद्योग सुमला का भाव रखते, हमने अन्य देशों को भी इस बात की बताया। सिवनी मालवा विधानसभा की बात की जाए तो 15 साल लगभग हो गए हैं भाजपा को काबिज हुए, तो कैसी स्थिति देखते हैं सिवनी मालवा विधानसभा क्षेत्र की भाजपा के शासनकाल में? मैंने आपको बताया कि 15 साल पहले हमारे यहाँ पर कांग्रेस सरकार में पीडब्ल्यूडी मंत्री, कांग्रेस सरकार में भी माननीय अवेला जी रविंद्र सिंह रहे। मैं आपको चीरू चैनल के माध्यम से पूछना चाहता हूँ कि माननीय रविंद्र सिंह जी जब पीडब्ल्यूडी मंत्री थे तो भोपाल से जब वो यहां सुनने वाले आते थे बाई रोड में आते थे अपनी जगह पुराने लोगों से लगे, तो बाकी कांग्रेसी भाइयों से पूछ लगा, वो ट्रेन से आते थे, तो ट्रेन से आते थे उनसे पूछते थे कि साहब आप तो मंत्री हैं, आपके आप तो गाड़ी है, संसाधन है, सब कुछ है, फिर आप ये ट्रेन से क्यों सफर करते हैं? तो यार सड़कें बहुत खराब है। मैंने खुद उन्होंने स्वीकार किया था कि कांग्रेस सरकार में प्रधानमंत्री मंत्री होने के बाद भी हमारे शहरों में सड़कें नहीं थी, आज जितने कांग्रेसी नेता है उन सबके गांवों की सड़कें भारतीय जनता पार्टी सरकार ने बनाई है। ये मैं केवल बोलने के लिए नहीं देगा, तथ्य आप लोग, हाँ आप चाहे खपड़िया का पुल देख लो भारतीय जनता पार्टी सरकार ने बोला, चाहे लोकर तलाई का पुल देख लो वो भारतीय जनता पार्टी सरकार ने बोला, चाहे औलीघाट का ब्रिज देख लो नर्मदा जी पर वो भारतीय जनता पार्टी सरकार ने बोला, चाहे आपने चपेखेड़ा का जो ओवर आरोपी है वो भारतीय जनता पार्टी सरकार ने बोला, चाहे ढोलखेड़ा का अपना ये धर्मकंडी का आरोपी देख लो वो भारतीय जनता पार्टी सरकार, चाहे अभी सीपुर का जो आरोपी स्वीकृत हुआ वो भारतीय जनता पार्टी सरकार में स्वीकृत हुआ। तो हम सड़कों के मामले में हो, बिजली के सबस्टेशन के मामले में हो,
हर मामले में, चाहे हमारे शिक्षा क्षेत्र में हायर सेकेंडरी लेवल में कितने अधिक स्कूल है, अभी सीएम राइज अन्य विधानसभा तो एक है, हमारे विधानसभा में दो सीएम राइज, एक केसला में और एक हमारे सुनने वालों में, हमारे चाहे अस्पताल के क्षेत्र में, अस्पताल क्षेत्र में आपको बात करूं भूल आई ये अभी बोल रहा हूं, मैं दिल पे हाथ रखकर हमारे कांग्रेस भाई मेरे सामने डिबेट करें, कांग्रेस सरकार ने प्रसूति गृह में मेंटल्स भारत को लेकर आंदोलन किए, चक्कर बन गया कि प्रसूति गृह में ताले लगे होते थे, प्रसूति नहीं होती थी, लेकिन आज हमारे यहां पर हम सौभाग्यशाली लाडली लक्ष्मी हमारी बहनें का जन्म, हमारे बच्चों का जन्म आज हमारे यहां प्रसूति गृह सिंह वाले हो रहे हैं, अस्पताल हमारा एवॉर्डेड हॉस्पिटल है, उसको प्रदेश सरकार ने अवार्ड दिया, अवार्ड इस मामले में कि स्वच्छता के मामले में, बिल्डिंग्स की सुव्यवस्था के मामले में, हमारे यहाँ ट्रीटमेंट जो है वो अच्छा हो, कोविड काल में कई लोग बाहर से आसपास से बैतूल से हरदा से नर्मदापुरम से लोग फोन करते थे उस दौरान तो आपके एडमिट करा लो, हमारे यहाँ कई बड़े लोगों के परिवार जिनको कोविड हो गया था उन्होंने भी इस सरकारी अस्पताल में विश्वास जताते हुए चूंकि चाहते तो प्राइवेट में कर सकते थे बाहर इंदौर भोपाल बढ़ गए, लेकिन उन्होंने यहां रखकर अपने बच्चों और अपने परिवार का इलाज कराया और आज वो स्वस्थ है, कई लोग कई बीच में से हमारे चले गए उसका मुझे दुख है, लेकिन बाकी लोग स्वस्थ है। अस्पताल की बात निकली है तो आपने काफी सारी चीजें बतलाई की अच्छा ये, लेकिन उसके अलावा भी अगर देखा जाए तो कई ऐसी चीजें भी निकल के आती है कि अस्पताल से रेफर के केसेस भी काफी ज्यादा हैं, स्पेशलिस्ट डॉक्टर भी नहीं है, ये सारी कमियां भी अभी मतलब बनी हुई है अस्पताल। हम मूलभूत ढांचे को अपडेट करने के लिए, सुविधाओं को और अधिक चुस्त दुरुस्त करने के लिए हमारी मतलब सरकार जो है वो नियमितीकरण कर रही है, सरकार जो है अन्य जो है संविधान में नियुक्ति कर रही है, सरकार अन्य जगह पर डॉक्टरों की नियुक्ति कर रही है, हमारे एक्सपर्टों की नियुक्ति कर रही है, और उसके माध्यम से निरंतर धीरे धीरे सुधार की ओर अग्रसर हो रहा है, और बहुत जल्दी जैसे हमने बताया कि लगभग 100 बेड का हॉस्पिटल से तो डॉक्टरों की नियुक्ति हमारे यहाँ पर अभी चूंकि अन्य उप स्वास्थ्य केंद्र भी हमारे बने हैं उनमें वहां भी डॉक्टर्स की नियुक्ति जिस जैसे डॉक्टर्स आ रहा है मिल रहा है ना, वैसे वैसे डॉक्टर्स यहाँ पर आएंगे और आ भी रहे और सुविधाएं और अच्छी बढ़ेगी। सिवनी मालवा हॉस्पिटल को सिविल हॉस्पिटल का दर्जा भी मिलने वाला है ऐसी चर्चा चल रही है, तो क्या है स्थिति, कब तक सिविल हॉस्पिटल का दर्जा मिल जाएगा, क्या प्रोसेस रहती है? बिल्कुल नहीं, चूंकि सरकार में पार्टी है, मैं सरकार में हूँ फिलहाल, और उसके लिए मेरे को उतना ज्यादा परफेक्ट चीजों का बारे में, लेकिन अगर दर्जा मिला है तो दर्जा केवल दर्जा नाम देने के लिए नहीं, मैं आपको एक बात उतना बड़े मिलेगी कि हमारे यहाँ ऐसा वैसा दर्जा मिलने के कारण मुझे याद आ रहा मेरे को कि हमारे यहाँ पर विद्यालय में हाई सेकेंडरी में अधिक दर संख्या होने के कारण एक नवीन हाई स्कूल करके बना, मैं उस समय विद्यार्थी परिषद में जिला से संयोजक था, तो मुझे बना तो दर्जा हिसाब में बताया तो वो मंदिर खुल गया, तो खुलने के बाद उसका स्टाफ आ गया, उसके प्रिंसिपल आ गए, उसके पहले प्रिंसिपल माननीय सूर्यकांत जी अवस्थी, प्रवीण अवस्थी जी के पिताजी बने, तो उन्होंने क्या करा उसी हायर सेकेंडरी में जिस स्कूल में छात्र संख्या ज्यादा होने के कारण कमरे की दिक्कत थी, छात्र अधिक होने के कारण समस्या थी, तो उसी में एक अलग दो कक्षा करके क्लास करके उसको हाईस्कूल करके बताया, फिर उसी में चूंकि प्रिंसिपल अलग आ गए तो प्रिंसिपल ने अलग रूम किया, तो मूल समस्या का निदान होना चाहिए, उसी में समस्या और बढ़ गई क्योंकि उनके लिए तीन कमरे और लगते हैं और उसके लिए अलग से संख्या दर्ज करना पड़ा, तो और विद्यालय को एडमिशन देना पड़ा, तो वो समस्या और बिगड़ा होगी, ये याद है किशोरलाल वर्मा उसमें शिक्षा मंत्री थे, तो हमारे यहाँ आपका जो नगर पालिका का भवन है तो नगर पालिका भवन बनने के कारण ये जो हमारा सेंट्रल स्कूल जो बॉडी जब लगता था वो भवन में नगर पालिका लगती थी, नगर पालिका ने जैसे ही भवन में शिफ्ट हुआ और उसके बाद वो हायर सेकेंडरी जो कन्याशाला हमारी लगी तो कन्याशाला का हमारा जो भवन बना, तो कन्याशाला हमारे जो उस भवन में जब हमारी घर लगी तो वो भवन दिख रहा था, तो वापस नगर पालिका ने उसको कब्जा कर लिया, उस समय तत्कालिक वो किया प्रयास, तो हमने तत्काल हमने विद्यार्थियों से मिला छात्रों के देखते हुए हमने उसको जान किया और वापस नवीन भवन स्कूल में आज जो कॉम्प्लेक्स बनता है वहां पर हमने उस विद्यालय को लगाया और आज जो है नवीन हाईस्कूल करके
एक अलग से हमारा एक सेटअप है, तो केवल भाजपा का केवल नामकरण करना है या कोई वो कहना नहीं, उसमें समुचित व्यवस्था भी खड़ी करना, उसके लिए निरंतर आज हम चुके देख रहे हैं गर्ल्स कॉलेज, गर्ल्स जैसे जैसे गर्ल्स की समस्या है तो गर्ल्स कॉलेज, तो कॉलेज का भवन अलग बना, मतलब अभी जो छात्रावास लग रहा है और उसकी बिल्डिंग भी स्वीकृत हो गई है, स्टाफ भी स्वीकृत हो गया, जगह भी हमको मिल गई है, उसमें एक दिव्य भव्य अच्छा हमारी बहनों के लिए अच्छा कॉलेज बनेगा। अस्पताल के बीच में साथ साथ अभी निकली है गर्ल्स कॉलेज की बात, तो गर्ल्स कॉलेज जो स्वीकृत हुआ था वो पिछले कार्यकाल में हुआ था 2013 से 18 के बीच, अब 18 से 23 का जो कार्यकाल है इसमें अगर हम देखा जाए तो अभी तक उसका भूमि पूजन भी नहीं हो पाया है, जमीन का जो मिलना चाहिए गर्ल्स कॉलेज की उसमें काफी अड़ंगे आए, जमीन मिल गई है, आधी जमीन का नामांतरण हुआ है, अभी वो भी पूरा नहीं हुआ, तो ये कैसे उपलब्धि गर्ल्स कॉलेज अलग जगह दी थी, और वो हमारी बहनों के लिए इतना सुटेबल जो होना चाहिए शहरों के हमारी बहनों के वो था नहीं, तो बस सब लोगों ने मांग करी कि बीज निगम जो हमारा बनापुरा और सुनीवालगढ़ के मध्य है अगर वो जमीन मिलती है तो उस पर भी हमारे प्रयास चालू हुआ, और फिर बाद में वो जमीन की स्वीकृति हुई और माननीय सीएम साहब ने अभी उसकी घोषणा भी की है, स्टाफ आ गया है, बाकी सब कुछ सारी व्यवस्था है, तो मुझे लगता है कि जल्दी अब हम क्योंकि अब हमारे जितने भी काम हो रहे हैं चाहे केंद्र सरकार की राज्य सरकार की टाउन बाउंड तो एक साल में माहौल बनकर तैयार होगा, जैसे आपने सीएम राइज स्कूल का बतलाया तो सीएम राइज स्कूल स्वीकृत हुआ लगभग 6 महीने भी नहीं हुए कि भवन बनना शुरू हो गया है, सारी चीजें रही, इन गर्ल्स कॉलेज में अगर हम देखा जाए तो भवन बनना तो दूर क्या, तभी भूमि पूजन भी नहीं हुआ है, लगभग लगभग हम देखे तो एक पूरा पंचवर्ष सीएम राइज स्कूल पूरा मध्य प्रदेश का प्रोजेक्ट है जी, तो मध्य प्रदेश का एक साथ वो उसका इंदौर से उसका भूमि पूजन हुआ था और उसके मध्य में पैसा डाला था, ये चूंकि गर्ल्स स्कूल गर्ल्स कॉलेज जो अपने सुनी वाले का है तो उसने कहना कि कुछ विलंब हुआ होगा, होना नहीं चाहिए था लेकिन हुआ है, तो मैं उसको मान भी रहा हूँ, स्वीकार भी कर रहा हूँ, लेकिन अब अधिक विलंब नहीं होगा, अधिक पूरी तीव्रता के साथ और अच्छे गुणवत्ता वो हमारी भवन बने वो जल्दी बने। सड़कों की बात निकली है तो सड़कें काफी ज्यादा कांग्रेस के शासनकाल से आपने बतलाया कि बन गई है, लोगों को सुविधाएं मिलने लगी हैं, लेकिन हम समय के हिसाब से देखें तो चाहे सिवनी मालवा से हरदा की बात करें या सिवनी मालवा से जिला मुख्यालय नर्मदापुरम की बात करें, सड़क की चौड़ाई लगभग उतनी की उतनी है जो आज से कांग्रेस के शासनकाल में ही थी, कई जगह की सड़कें हम देख चुके हैं कि चौड़ीकरण हो गया है, यहाँ भी एक समय के हिसाब से महती आवश्यकता है कि 4 लेन सड़क कम से कम हरदा और नर्मदापुरम के लिए होना चाहिए। मैं आपकी बात से बिल्कुल 100% सहमत है, और माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में माननीय विधायक जी ने माननीय सांसद जी ने इस विषय को लेकर आए भी है, जनप्रतिनिधि ने बोला है कि हम इमरनी जाएंगे तो सीधे हाईवे नेशनल हाईवे से जाते हैं, उधर नर्मदापुरम जाते हैं तो सीधे नेशनल हाईवे से खुल जाते हैं, उधर इटारसी से नेशनल हाईवे हमारा लग जाता है, तो ये केवल एक हमारा टिमरनी से नर्मदापुरम बीच का जो है ये भी अगर 4 लेन होता है तो अच्छा होगा, तो उसके लिए हमने बातचीत किया हुआ है, तो मुझे लगता है जल्दी जल्दी ये इसकी स्वीकृति भी और ये काम भी प्रारंभ होगा। 2023 का जो विधानसभा चुनाव है बीजेपी किन प्रमुख मुद्दों को लेकर विकास कार्य की बात करती है, तो किन मुद्दों पे चुनाव लड़ हम तो सदैव हमारा नारा है, नारा नहीं हमारा मंत्र है, सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास और सबका प्रयास, और हम बाकी बातों पर नहीं, हम केंद्र सरकार ने माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने 9 वर्ष में अब लोग हमसे पूछते 9 वर्ष में क्या किया, हमसे बता चाहते हैं कि तस्वीर में भी तिरंगा और चांद पर भी तिरंगा ये किया है, छोटी मोटी बात है, तो उस काम के मूलभूत काम जो गांव गरीब और किसान ने शुरू में बताया था आपको उन काम के आधार पर, और प्रदेश की भी जो सरकार है माननीय शिवराज सिंह जी की, उस शिवराज जी की सरकार भी जो है वो काम के आधार, हमने
जाति हम बाकी चीजें हम अन्य कोई बेमना उसके आधार पर हम नहीं, हमने जो किया हुआ है पर उसके लिए आप तुलना कर लीजिए। आज मैं आपकी बात करूं तो 47 से अगर हम बातचीत करें तो लगभग 60 वर्ष दिल्ली में कांग्रेस की सरकार रही लगातार। प्रदेश में अगर हम बात करें तो प्रदेश में भी लगभग इतने वर्ष तक थोड़ा सा कम होगा 2-4-5 से, वो भी 55 साल से प्रदेश में कांग्रेस सरकार थी। और हमारी सरकार 20 साल प्रदेश, 20-22 साल प्रदेश और 20-22 साल आपके केंद्र में सब मिलाकर गैर कांग्रेस हमारी सरकार रही। अब ये दोनों अगर आप तुलना करोगे मतलब तराजू पर, ये कांग्रेस सरकार के समय और ये भाजपा सरकार से, तो जमीन आसमान का अंतर दिखता है। भाजपा का पल्ला इतना अधिक भारी है हर मामले, चाहे विदेशी नीति के बारे में आप बात कर लो केंद्र की, चाहे आप केंद्र की योजनाओं के बारे में बात कर लो। आप मैं अगर अपने एक एक योजनाओं के बारे में बात करें रुकेंगे तो आप विचार करो कि मैंने पिछले इंटरव्यू में लोगों को बताया था कि मूलभूत परिवार को सबसे पहले परिवार के साथ कि भूखा वो सोए नहीं, इसलिए उसको राशन की व्यवस्था। आज अब कोविड काल में लॉकडाउन हो गया, लॉकडाउन हो गया तो मोदी जी चूंकि उन्होंने विचार किया मैं खुद अपने गरीब परिवार से आते हैं तो अगर रोज कमाने रोज खाने वाले लोग थे तो रोज जो कमाता रोज खाता है तो कहा जाएगा, तो उसके लिए अनाज देने की व्यवस्था सुचारू की पूरे देश में। उसके साथ साथ नगद राशि भी डाली की, उसकी व्यवस्था भी हर भाई बहनों को रहे, उसकी व्यवस्था का काम भी सरकार ने किया। इसके बाद अपन बात करें, मैं बार बार बोलता हूं कि बीमारी जो है वो बोल कर नहीं आती, बीमारी किसी को भी आ सकती है, बीमारी कभी भी आ सकती है, बीमारी जाति नहीं देखती, धर्म नहीं देखती, वर्ग नहीं देखती, ऊंचा नहीं देखती, नीचा नहीं देखती, किसी को। लेकिन आप विचार करो कि आज की इस भरी महंगाई में भाई भाई का, रिश्तेदार रिश्तेदार का, पिता पुत्र का, पुत्र पिता का कितना चुकी आर्थिक तंगी है, कितनी मदद कर पाएगा नहीं कर पाएगा। लेकिन हमारा एक बोर्ड से जो एक बोर्ड की ताकत देखो, एक बोर्ड से हम बरसों तक अन्य सरकारें बनाते थे, एक बोर्ड से हमने मोदी जी को इस देश का प्रधानमंत्री बनाया, उन्होंने हमको क्या रक्षा कवच दिया, 5 लाख तक का इलाज मुफ्त इलाज, इसको छोटी बड़ी ताकत है। परिवार मुख्य तो स्वास्थ्य व्यवस्था हमने पूरी की, फिर अगर सबसे बड़ा आदमी का इंसान लेता है कि मेरी सबसे बड़ी कल्पना है उसका स्वयं का अपना एक मकान है, स्वयं का अपना पक्का मकान है। तो आज आप देख लो चाहे शहरी क्षेत्र हो चाहे ग्रामीण क्षेत्र हो, आज हरी गांव गांव में तो आपको एक गांव की तस्वीर बननी दिखेगी, पक्के मकान दिखते हैं। नहीं तो बारिश के पहले लोग पत्ते लोग पन्नी लोग टीन लोग करेलू ये करते थे, लेकिन आज उससे मुक्ति हुई है, अपने स्वयं का एक पक्की छत का मकान लोगों को उपलब्ध हुआ है। जी ये सारी चीजें हो गई केंद्र सरकार और राज्य सरकारों की। हम बात कर रहे हैं सिवनी मालवा विधानसभा की कि 18 के पहले जो विकास कार्य हुए उसका लाभ भाजपा को 2018 के विधानसभा चुनाव में मिला, अब 23 आना है, तो ऐसे कौन से काम हैं जिनको विधानसभा स्तर के काम जिसका लाभ भारतीय जनता पार्टी को चुनावों में मिलेगा या उन कार्यों को लेकर जनता के बीच में भाजपा की? बताया मैंने आपको, बोले हमने हमारे ग्रामीण अंचलों में हमने हायर सेकेंडरी स्कूल जो है ताकि बच्चों का ड्रामिक नहीं हो, फिर हमारे मतलब राज्य सरकार की बड़ी योजना की बात कर लूँ वो हमने किया है, फिर सड़कें जो गाँव में अन्य जो रह गई थी उनको बनाने का काम मैंने विधायक जी सांसद जी के माध्यम से वो हमारे यहाँ पर हुआ है। फिर हम कनेक्टिविटी की बात करें तो हमने देखा था ये पहाड़ी क्षेत्र में नेटवर्क कनेक्शन नहीं मिलता है, तो वो हमारे टावर लगा के वो नेटवर्क कनेक्शन से उन पहाड़ी क्षेत्रों को हम जोड़ रहे हैं, ताकि कनेक्टिविटी हमारी मोबाइल कनेक्टिविटी वो हमारी होगा, उसके लिए हमारा सरकार ने प्रयास किया। फिर कई बार ये जो रेलवे फाटक है, रेलवे फाटक के कारण कई बार जाम की स्थिति, कई बार इमरजेंसी होती है तो उसमें कैजुअलिटी होती है, उसके लिए हमारे आरओबी जो बन के तैयार हो रहे हैं, तीसरा आरओबी का भूमि पूजन जल्दी चालू शुक्ल हो गया, ये हमारा काम है।
तो हम आप देखेंगे कई बड़ी बड़ी जगह में किसी जगह पर बड़ी बड़ी जगह पर आरोप लेकिन हमारे छोटी जगह पर मेरे किसी आए थे किसी भाई आगे हमारा दल को तैयार हुआ उसके क्षेत्र में हमारा ध्यान दिया बढ़ते उनके समय में आया तो निश्चित ही उनके समय में बनाए लेकिन आपने जो कमाले पानी पे जितना पहले रहता था उतना आज भी रहता है उतना बीजे रहता है लेकिन मूंग में पानी देने का जो प्रॉब्लम है मूंग की तीसरी फसल जो है वो भारतीय जनता पार्टी सरकार ने प्रारंभ की भारतीय जनता पार्टी सरकार से पानी देने का समय पूरा हुआ कोविड काल में भी पानी देने का काम माननीय कमल पटेल जी ने प्रारंभ करा था उसके साथ किसानों ने अपना कोविड काल में उनको पता ही लगा और पूरी मेहनत करके अच्छी उपज करी आज हम देख रहे हैं कि चाहे वो हमारा गेहूं हो चाहे हमारा नींव हो उसके क्षेत्र में आज हम पंजाब को पीछे छोड़ेंगे बहुत अच्छी और आज किसानों को बहुत अच्छी उपज मिल रही है केस क्रॉप मिल रही है जी। किसानों की बात निकली है तो सबसे पहले आपने कृषि मंत्री जी का नाम लिया सिवनी मालवा विधानसभा क्षेत्र में एक चर्चा जोरों पर यह रहती है कि सिवनी मालवा के हिस्से का नहर का जो पानी होता है वो कमल पटेल जी के हाथ में जाता है तो क्या ऐसा होता है और यहाँ के जो स्थानीय भाजपा नेता है वो क्या सीनियर होने के कारण इस चीज पे चुप्पी साध लेते हैं क्या है रियलिटी की सिवनी का पानी हर दल ले जा रहा है किसी चीज की कोई ड्राइव होती है जी तो अपने यहाँ पर मोड़ पर ये क्या उसमें नगल गांव में जी इतना वो बना हुआ है उसी में पानी निकल कर जाता है तो उसका एक पाइप उसका जो है उस पाइप के अंदर से वो पानी नहर के माध्यम से तो इधर बीच में नदी के पाइप लगे हुए पाइप से फिर उधर नहर में पानी जाता है उसकी अपनी एक कैपेसिटी है पानी निकलने की उस कैपेसिटी के आधार पर वो पानी निकलता है फिर कितना पानी हमको हरदा जिले को दे रहे हैं कितना पानी हमको हरदा जिले को दे रहा है कितना पानी हमको नर्मदापुर जिले के दो तट है हमारी एक पिपरिया सातपुर बन रहे हैं तो उस तट में कितना पानी दे सकते तो हमने हमारे हिस्से का जो पानी है वो हिस्से का पानी हमारे को मिलता है कि दूसरा पहले कच्ची नहरें थी लेकिन ये लाइनिंग का काम भी नहरों की लाइनिंग का काम भी ये भारतीय जनता पार्टी सरकार ने हुआ हमारी सरकार ने किया तो उसके कारण पानी की तीव्रता बढ़ी है स्पीड बढ़ी है तो मैं एक बजट की बात करूं कि हमारे साइबर हमारे यहां पर साइफन से खेती होती है बीच में किसी कारण साइफन बंद हो गए थे उस दौरान मैंने भी मलैया जी से बात करके दुलानिया से बात करके हमारे यहां के साइफन वापस चालू कराए थे अब किस विधि से कराए थे क्योंकि बताना पार्टी के वो साइफन से हमारे किसान तो अब ये अब पहले जब प्रेसिडेंसी भी या मंत्री थे तो हरदा में आरोप लगते थे कि सारा पानी रिजर्वेंसी जी में रख लेते तो ताकतवर जो है उस पर सदैव आरोप लगते हैं तो ये लगते थे पहले उन्हें जापू जाए तो पैंतीस लेते वो मंत्री है तो लोग उनके बारे में बोलते लेकिन ऐसा नहीं है किसान है वो पूरे प्रदेश के कृषि मंत्री है तो उनका काम है पूरे प्रदेश के किसानों का हित करना और वो निश्चित उस दिशा में सोचते हैं खुद एक किसान बनाते किसान के लिए पानी का कितना महत्व है उस महत्व को जानते हैं समझते हैं उसके आधार पर नहीं रखता है तो नीचे ग्राउंड लेवल पर बोलने के लिए कुछ भी हो सकता है तो अहमियत ऐसा नहीं है जी। वर्तमान में जो विधायक जी हैं उनके कार्यकाल को आप किस तरीके से देखते हैं 2018 से अब तक का हमारे विधायक जी सरल है सहज है सहज उपलब्ध है निरंतर उम्र में भी प्रवास कर रहे हैं दौरे कर रहे हैं सतत सक्रिय है वो विधायक स्तर पर जो काम उनको करना चाहिए उन्होंने किया है सिवनी मालवा में हम देखें तो 2018 के पहले विकास कार्य की एक बड़ी लाइन चाहे कांग्रेस पार्टी रही हो या भारतीय जनता पार्टी हो एक विकास कार्य का एक स्टैंडर्ड
बड़ा तय कर दिया है जो और विधानसभाओं में भी नहीं है, लेकिन वर्तमान समय जो देखा जाए 18 से अभी 23 तक का, तो कहीं ना कहीं उस स्तर तक नहीं पहुंच पाए हैं। नए काम भी बहुत ज्यादा नहीं दिखते हैं, कुछ निर्माण कार्य हैं वो जरूर दिख रहा है, लेकिन कोई बड़ी विशेष उपलब्धि जो एक होना चाहिए जो हमने देखी है पुराने कार्यकालों में, तो ऐसा क्या रहा है कि उस स्तर तक क्या नहीं पहुंच पाए? क्योंकि जब पिछली बार में हमारे जो विधायक थे आदरणीय सरकार सिंह जी बाबू जी, तो पिछली बार में पीडब्ल्यू मंत्री थे, वन मंत्री थे, फिर पीडब्ल्यू मंत्री रहे। मंत्री का, कैबिनेट मंत्री का अपना एक पावर होता है, उनका एक ओहदा होता है, उनके काम करने में अलग बात होती है, विधायक के काम करने में अलग बात होती है। तो विधायक अपने कार्यस्तर पर, अपनी क्षमता के आधार पर, अपने उसके आधार पर काम करने का तरीका, और एक स्वयं कुछ पावर हो जाए तो उसको काम करने, तो उसमें अंतर आता है। पहले बार में, दो बार में हमारे जो विधायक थे वो मंत्री थे, मंत्री होने के नाते उस समय लोग बोलते हैं कि सबसे ज्यादा हृदय सिंह वाले आसपास वाले बोलते हैं, हरदा वाले बोलते हैं, सड़क नहीं मिला। उस समय हमारे ऊपर ये आरोप लगता था, हमने सबसे ज्यादा सड़क बना ली। अब आज कोई भी कृषि मंत्री है तो बाकी लोग आरोप लगाते हैं कि सबसे ज्यादा काम हरदा में हुआ, तो उसका अंतर होता है ऐसा कुछ। लेकिन जिसका राज्य जो हिस्सा है, अब ऐसा तो होता नहीं है कि अब जहां कांग्रेस सरकार, कांग्रेस के विधायक है तो माता नहीं होते, भाजपा सरकार बनी थी ये भेद जरूर कांग्रेस ही करते थे, भाजपा ये भेद नहीं करती कि यहाँ नहीं है, वहां जिस पंचायत में जीते कि नहीं जीते, इस जनपद में जीते कि नहीं जीते, जिला पंचायत में जीते कि नहीं जीते, हम तो सबको मिला पूरा, हमारा मन तो सबका साथ, सबका विकास। विकास कार्यों को लेकर अगर हम देखा जाए तो श्रेय जो होता है वो कहीं ना कहीं विधायक, सांसद या और जनप्रतिनिधि है उनको मिलता है उनका श्रेय, लेकिन उन कार्यों में जो सामान्य लोग हैं, जनप्रतिनिधि के अलावा भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है, पदाधिकारी है, उनका भी प्रयास रहता है। ये हमारा सामूहिक प्रयास होता है, सामूहिक प्रयास से ही काम होते हैं, इसलिए हमारे नए नए हम ये भूमिका रहती है, उसके आधार पर तो जरूरी है मेरे नया कहीं मेरे बन गया तो क्या मेरे विभाग में सब आइडियाज आएंगे क्या नहीं समझ। तो अगर जन सम्मान भी अभी चूंकि हमारी विकास यात्रा आ रही है, विकास यात्रा में हमने एक सुझाव देखी जो उसमें हमारे साथ चल रही है, तो उसमें हर जनमानस अपना एक सुझाव दे और उन सुझावों पर विचार करके क्या प्रदेश में हमारा बजट कैसे होगा, प्रदेश में हमारा प्रदेश में विकास की गति कैसी बढ़ना चाहिए, हम किस क्षेत्र में और अभी हम पीछे हैं, तो उसके लिए क्या और अच्छी योजना बनना चाहिए, क्या और अधिक बन सकती है, तो वो कोई भी सोच के विचार करके, माननीय मोदी जी हर महीने आते हैं और महीने के आखिर रविवार में मन की बात का कार्यक्रम करते हैं, मन की बात के कार्यक्रम के पूर्व में वो लोगों से जो आइडिया बनाते हैं, लोगों से, लोगों ने अपने जीवन में बदलाव कैसे लाया, लोगों ने अपने गांव में बदलाव कैसे लाया, लोगों ने अपने क्षेत्र में बदलाव कैसे लाया, लोगों ने अन्य विषयों में काम करके कैसे बदलाव लाया, उन सब बातों को वो अपने उद्बोधन में अब उन लोगों की बात को रखते हुए, उन लोगों के काम को बताते हुए, क्योंकि विपिन जी मैं एक बात बोलते हो ना, जैसे मेरे पास 10 रुपया है और आपके पास 10 रुपये है, मैंने आपको 10 रुपये दिए, आपने मेरे को 10 रुपये दिए, तो आपके पास कितना बचा? 10। मेरे पास कितना बचा? 10। लेकिन मेरे पास एक आइडिया है और तुम्हारे पास एक आइडिया है, तो मैंने आपको एक आइडिया दिया और आपने मेरे को एक आइडिया दिया, तो आपके पास भी 2 आइडिया है, मेरे पास भी 2 आइडिया है। इसी प्रकार अच्छी जो बात है, अच्छी जो काम है, वो अगर जितने अधिक बढ़ते हैं, जितने अधिक लोगों को बताया जाता है, उस पर चला जाता है, तो उतना अधिक विकास, उतना अधिक खुशहाली, उतना अधिक योजना है, उतना अधिक कार्यक्रम लोग हित के बनते हैं। तो केंद्र सरकार भी इस दिशा में काम कर रही है, लोगों के सुझाव लेकर, लोगों के सहयोग लेकर, लोगों की बात रखकर, और प्रदेश भी सरकार हमारी कि उसके लिए व्यापारियों से सुझाओ, किसानों से सुझाओ, युवाओं से सुझाओ, माता बहनों से सुझाओ, हमारे मजदूरों से सुझाओ, उनकी हम उनकी पिछली बार भी लगा पंचायतें लगाते थे जी, कोटवारों से सुझाओ, पटवारी सब ढंग से कि आपके इसमें हो रहा है वो अच्छा कह सकता है,
और कुल मिलाकर भाव यही है कि और अच्छे से अच्छा क्या करे, ये केंद्र का और राज्य का भाव सरकार का। विकास कार्यों में कार्यकर्ता की क्या भूमिका रहती है, कि कहां क्या कमी है, ये तो कार्यकर्ता भी के नजर में भी आती है, तो उसमें कार्यकर्ता या पदाधिकारी क्या भूमिका में रहते हैं? भारतीय जनता पार्टी केडर बेस पार्टी है जी, भारतीय जनता पार्टी अनुशासित पार्टी, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता आधारित पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी किसी परिवार की पार्टी नहीं है, एक परिवार उस परिवार के लोग ही पूरी राजनीति करेंगे, उस परिवार के उस पर ही पूरा चलेगा, ये भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसमें आप अगला प्रधानमंत्री कौन होगा, अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, अगला विधायक कौन होगा, अगला सांसद कौन होगा, अगला मंत्री कौन होगा, अगला जिलाध्यक्ष कौन होगा, ये आप बगैर इस भारतीय जनता पार्टी में मुश्किल है, ये हमारे छोटे से छोटे कार्यकर्ता अपने काम के आधार पर वो विधायक बन सकता है, सांसद बन सकता है, मंत्री बन सकता है, मुख्यमंत्री बन सकता है, और आने वाले समय में देश के शीर्ष नेतृत्व पर भी वो जा सकता है, ये भाजपा में ये अन्य पार्टी में, अन्य पार्टी में अगर मैं आपको बात करूं कि लालू की पार्टी में से अगर लालू यादव को निकाल दो तेजस्वी को तो क्या बचा, मुलायम सिंह की पार्टी है मुलायम सिंह जी और नीचे आप उसके निकाल दो तो क्या बचता है, ममता की पार्टी ममता जी को निकाल दो तो क्या बचता है, फिर कांसीराम जी के मायावती की पार्टी मायावती और कांसीराम जी को माइनस कर दो तो क्या बचेगा, केजरीवाल की पार्टी में अगर आम आदमी पार्टी में केजरीवाल जी को अलग कर दो तो क्या बचेगा, ये सब व्यक्ति आधारित पार्टी है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो विचार आधारित पार्टी है, इसलिए हमने शुरू में हमने जब शुरू में बात किया हमारा पहला हिंदुस्तान में कोई बलिदान अगर किसी को हुआ है तो बलिदान हुआ डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी का जी। मेरा सवाल था कि जो विकास कार्य हो रहे हैं विधानसभा में उसमें कार्यकर्ता की कितनी भूमिका है? विकास कार्य में नीचे हमने मतदान केंद्रों पर हमने बूथ की कमेटी बनाई है, बूथ पल्ला प्रमुख है, हमारा बूथ का अध्यक्ष है, बूथ का महामंत्री है, हमारा बीएल है, उस पन्ने की समिति है हमारी, बूथ की समिति है, और उनको बताया कि आपके पन्ने पर आपके बूथ पर कितनी लाडली लक्ष्मी, कितनी लाडली बहना, कितने हमारे वृद्धजनों के काम, कितने हमारे जो दिव्यांग हैं उनके काम, कितनी हमारी हमारी बहन ऐसी जो किन्हीं कारणों से वो आज उनकी मांग सुनी हुई है जिनमें हम विधवा उनके ऐसे उनके किसान सम्मान निधि के काम है, हम ऐसे जो लोगों के काम है तो वो उन तक वो योजना उन तक पहुंचाने का काम, उसका माध्यम उसका भार हमारा कार्यकर्ता बने, ये हमारी पार्टी हम बार बार बोलते हैं, और उसको बोलते देखो आदमी नेता कब बनेगा, जब उसे मान लो दो लोगों को राशन दिला दिया, दो लोगों को गरीबी रेखा में जिन पात्र थे उनको उनको जोड़वा दिया, हमारे दो लोगों को सम्मान निधि नहीं मिल रही थी उनको सम्मान निधि दिला दी, दो हमारी लाडली बहना योजनाओं में उनका किसी केवाईसी नहीं हो रहा कुछ नहीं हो रहा तो उन्हें आगे ले जाकर दिलवा दिया, तो ये धीरे धीरे वो बूथ पर कार्यकर्ता काम करेगा, काम करने लगा तो उसकी स्वयं की एक आइडेंटिटी बनेगी, तो धीरे धीरे बूथ से उठकर हमारा उस पर आएगा मंडल में आएगा, मंडल में अच्छा काम करेगा मंडल से उठकर वो तहसील पर आएगा, तहसील में अच्छा काम करेगा, तो ऐसा काम के आधार पर, चूंकि हमारे एक बात बोलिए संगरोधी ये बात बोलिए कि हथौड़े की चोट से नहीं गंगा की निर्मल धारा से कंकर कंकर शंकर बनता है, लौटते 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 काम करते 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 कब वो एक अच्छा कार्यकर्ता बन जाता है, कब अच्छा वो नेता बन जाता है पता लगता, काम करते 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 निरंतर ये छोटे छोटे कार्य हमारा बार बार पार्टी का यही आग्रह है, पार्टी का ये सोच है, और हमारा कार्यकर्ता भी चूंकि भाजपा में आगे ना भाजपा पार्टी जो है मूल में भारत माता है, मूल में विकास है, मूल में खुशहाली है, और उसके लिए काम करता है तो काम करता है तो फिर हमने चूंकि बोला नर ही नारायण है, दर्द नारायण की सेवा ईश्वरी सेवा, ये ही हमारे मुख्यमंत्री जी बोलते हैं मुझे नहीं मालूम कि शिवजी पर एक लोटा जल चलाने शिवजी प्रसन्न होंगे कि नहीं होंगे, मुझे नहीं मालूम घंटी लाने से शिवजी प्रसन्न होंगे कि नहीं होंगे, मुझे नहीं मालूम कि हवन करने से जप करने से तप करने से भगवान प्रसन्न होंगे कि नहीं होंगे, लेकिन दरिद्रों की हमने पिछड़ों की हमने जो जरूरत होंगे उनके काम कर दिए, उनके लिए जो योजना उन योजनाओं को उनके लिए उनको दिला दी तो परमपिता परमेश्वर जरूर प्रसन्न होगा, ये भाव को लेकर बात काम करती है। बात 2023 विधानसभा की कर रहे हैं तो भाजपा की स्थिति आपको कैसी दिखती है, विनिंग सीट है, संघर्ष है, कठिन है,
रहा कैसी है? मेरा ऐसा मानना बिल्कुल जी जी, चुनाव चुनाव होता है। हाँ हाँ, तो चुनाव जब चुनाव होता है तो चुनाव को कभी भी हल्के में नहीं लेना चाहिए। जीतने के लिए और परिश्रम की पराकाष्ठा क्या कर सकते हैं, जीतने के लिए और लोगों को हम हमारे निकट कैसे ला सकते हैं, और जो काम जिनके लिए रह रहे हैं वो हम और क्या कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, कितना कर सकते हैं, उन सब को ध्यान में रखते हुए हमको आगे बढ़ाना चाहिए। हमें निरंतर सतत एक भी सुनने वाला विधानसभा में नहीं पूरे मध्य प्रदेश में ऐसा कोई परिवार नहीं होगा जिस परिवार में भारतीय जनता पार्टी की योजना केंद्र की और राज्य की उस घर में नहीं पहुंचे। कई परिवार ऐसे होंगे जिनके घर में पांच पांच छह छह सात सात आठ आठ योजनाओं का लाभ मिलेगा और उन योजनाओं का लाभ उन तक पहुंच रहा है। तो मैं आज आपके चैनल के माध्यम से उनको निवेदन कर रहा हूं कि हमारा काम सरकार में होने के नाते, सरकार में है सरकार के नाते, हमने हमारा काम हमारा दायित्व तो आप तक योजना जो बनाकर आपको दिया है तो वह आपका दायित्व होता है। क्योंकि हमारे एक बात बोलिए, इसको हमने बोला मतदान, तो दान हमारे शास्त्रों में लिखा है सुपात्र को दिए हुए दान के पुण्य के भागी बनते हैं, उपपात्र को दिए हुए दान के को पात्र के भागी भी बनते हैं। तो ऐसे लोगों को दान करना, ऐसी पार्टी को दान करना जो भारत का हित करे, भारत माता का जयकारा करे, ऐसी पार्टी को चुनना जो पार्टी गांव की बात करे, किसान की बात करे, गरीब की बात करे, मजदूर की बात करे और उनके लिए काम करे, और उसके लिए निरंतर आपका चैनल का नाम बहुत जोरदार है और भारतीय संस्कृति को बचाने के लिए आपका चैनल और उसकी बात को आगे बढ़ाने के लिए आप जरा बात तो करो कि अभी अभी कांग्रेस पार्टी उनके नेता लोग किस प्रकार की बात कर रहे हैं। अभी एक बयान आपके सामने आया होगा, संस्कृति को तोड़ने की बात कर रहे हैं कि हम उसको नष्ट कर रहे हैं, उनको वो भूल गए मुगल आए, सत आए, रूण आए, यवन आए, अंग्रेज आए और उसके कारण हमारी चिर पुरातन संस्कृति फलती फूलती बढ़ती गई, उनके आक्रमण से भी हमारी संस्कृति को कोई नुकसान नहीं हुआ, ऐसे हमारे भारत माता के सपूत है, ये हमारे को मिटा पाई है, ये हमारी संस्कृति को मिटाने की बात करते हैं। और उन लोगों को समर्थन कौन कर रहा है? और उसके लिए मैं पुनः कह रहा हूं कि आप अपना मतदान भारत माता को परम वैभव पर ले जाने के लिए करें, आप अपना मतदान मध्य प्रदेश को स्वर्णिम बनाने के लिए करें, आने वाले आपके अपने बच्चों के सुनहरे भविष्य के लिए आप मतदान करें। भारतीय जनता पार्टी का संगठन काफी मजबूत माना जाता है, सिलमी मालवा विधानसभा में संगठन की स्थिति को कैसे देखते हैं? सुनवा में हर मतदान केंद्र पर हमारा काम है, हर मतदान केंद्र हमारी इकाई है और इन कार्यकर्ताओं की ताकत पर, उन कार्यकर्ताओं के दम पर, क्योंकि आपने देखा होगा कि हमने जब अभी हाल ही में गुजरात का चुनाव जीता तो आप देख रहे थे कि मीडिया क्या बोल रहा था, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया क्या बोल रहा था, सोशल मीडिया क्या बोल रहा था, आम आदमी पार्टी के बारे में, बाकी पार्टी में, क्योंकि हमारे यहाँ मेरे भी बना हुआ था, मेरे बना के रखा हुआ था कि मां ऐसा होगा मां ऐसा होगा, लेकिन मैं बूथ के कार्यकर्ताओं की ताकत पर, उनके परिश्रम की पराकाष्ठा पर आज देखा, मोदी जी जब जीत कर मोदी जी का जब अभिनंदन हुआ दिल्ली में, मोदी जी से पूछा गया कि आप इस जीत का श्रेय किसको देते हैं, तो हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी ने बोला कि मैं इसका जीत का श्रेय हमारे बूथ के कार्यकर्ताओं को देता हूं, मैं इस जीत का श्रेय बाकी मतदाताओं को देता हूं जिन्होंने विकास पर अपनी भूमिका निभाई। जीत का श्रेय कार्यकर्ताओं को मिलता है, नेताओं के संबोधन में कार्यकर्ता भी तुल्य होता है, लेकिन सिवनी मालवा विधानसभा में हम देखें तो कहीं ना कहीं जो सत्ता में बैठे जनप्रतिनिधि हैं उनके और कार्यकर्ताओं के बीच में उस तरह का सामंजस्य नजर नहीं आता है जो हमने सिवनी मालवा विधानसभा में पहले के समय में देखा है या संगठन से जुड़े हुए नेताओं के साथ देखा है। नहीं, सामंजस्य है पूरा, अभी कल ही हमारी विधानसभा की मीटिंग हुई, बहुत अच्छी मीटिंग हुई, बहुत अच्छी उसमें हुई और कार्यकर्ता आपस में निरंतर बूथ तवारी ग्राम केंद्र की बैठकें होती है, शक्ति केंद्र की बैठकें होती है, मंडलों की निरंतर बैठक होती है, सतत गतिशील अगर कोई संगठन है किसी पार्टी का वो भारतीय जनता पार्टी है,
निरंतर हमारी प्रदेश से, निरंतर हमारी केंद्र से, माननीय जेपी नड्डा जी केंद्र से जो कार्यक्रम देखते हैं, माननीय बीडी शर्मा जी के नेतृत्व में, माधव राय जी जिले में और जिले के माधव जी के नेतृत्व में, नीचे हमारे सारे मंडल के अध्यक्ष बखूबी नीचे तक उसको कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का संगठन आप मजबूत कह रहे हैं, सारी चीजें भी है, कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी का काफी सक्रिय भी है। इसके साथ साथ हम देख रहे हैं कि प्रवासी कार्यकर्ता भी आ रहे हैं, पदाधिकारी भी आ रहे हैं, विधायक भी आए थे बिहार के, तो इस मामले में क्या स्थिति है कि किस कारण ये लोग आते हैं? क्योंकि तो विपक्ष का आरोप है कि स्थिति बीजेपी की कमजोर है, इसलिए बाहरी नेताओं को बुलाया जा रहा है। जी क्या है उनकी जानकारी नहीं है, समझ नहीं है, स्वाभाविक है, जानकारी कैसे होगी? क्योंकि जिन्होंने जानकारी में, ये हमारी सतत प्रक्रिया है जी, यहाँ जिन प्रदेशों में चलाओ तो खुद प्रभारी बनकर जाता हूँ, महीने महीने देता हूँ, दूसरे दिन देता हूँ, तो ये सतत हमारी पार्टी संगठन की रचना है, संरचना व्यवस्था है। क्योंकि हमारे यहाँ बोला है कि अच्छाइयों को समझने के लिए और हमको एक दूसरे को जाना पड़ेगा, प्रवास हमारा मूल मंत्र है, संगठन का प्राण है। इसके लिए अन्य प्रदेशों भाग्य अच्छा ही है, यहां से भी अच्छा ही लेकर वो वहां जाए, है ना, और उसके माध्यम से नए आते तो उनको भी समझ आता है, नीचे कार्यकर्ताओं में भी उत्साह आता है, बाहर से भी बुलाया जाए तो उनमें भी उत्साह आता है, उत्साह का संचार है। ये पहली बार नहीं है, तो निरंतर सतत चल रहा है, अन्य प्रदेशों में भी आज चुनाव होते हैं, वहां होता है, ऐसा कोई अलग से हुआ है, ऐसा भी उन लोगों के लिए अलग से होगा। बाकी सर 2023 में जीत की कितनी संभावना है भारतीय जनता पार्टी की? सिवनी वाला विधानसभा बार 200 पार, सिवनी वाला विधानसभा है 200 में है, वो केंद्र में अब की बार 400 पार जी, ये अगर हो गई भारतीय जनता पार्टी की बात। अगर हम संतोष पारिक की बात करें तो संतोष पारिक संगठन में पकड़ काफी रखते हैं, कार्यकर्ताओं से भी लगातार जुड़े हुए हैं, कार्यकर्ताओं के बीच का एक नाम माना जाते हैं, तो क्या कारण है कि कार्यकर्ता और संगठन दोनों को एक साथ साध के रखा हुआ है संतोष पारिक ने? क्या किस तरीके से? चूंकि बचपन से बालकाल से संघ का संसद हो, संसद होने के नाते मुझे जो संघ का संस्कार भी है वो, उसके लिए मैं अपना 24 घंटे मोबाइल चालू रखता हूँ, सभी लोगों के लिए तत्पर रहता हूँ, उठता हूँ, उनकी मदद करनी चाहिए मेरा काम है, और उसके लिए मैं सभी उपलब्ध रहता हूँ सहजता सरलता के साथ। उसके लिए जिसने मुझे आवाज दी, जिसने मुझे बोला, या मुझे पता लग गया कि मैं तकलीफ में संकट में, तो मैं चला जाता हूँ, मैं पहुंच जाता हूँ, तो ये हमारा अपना काम है। हम आपस में जब बात रखते हैं भाईचारे की, आपसे मुझे बात रखते हैं परिवार की, तो परिवार है तो स्वाभाविक है, परिवार है तो अभी हमने आपको जाने का, आपको विपिन जी कोविड काल में मेरा मोहल्ला मेरा परिवार ऐसा करके जी हमने चलाया था, तो मोहल्ला समितियां बनाई थी, मोहल्ला समितियों के माध्यम से जब मोहल्ला अपना परिवार हो गया तो बीमार ना उसकी चिंता, उसके लिए दवाई भी तोड़ दिया था हमने, जो फिर अनाज घर में सामग्री नहीं है तो सामग्री भी भिजवाने का काम बताते, मैंने ट्रस्ट ने भी हमको मदद की थी, अन्य समाज के लोगों ने मदद की थी, फिर सैनिटाइज भी कराने का काम, वहां पर कोई अगर बाहर से आया तो उसकी चिंता करने का भी काम, ये सारे हमने किया है। बीमारी हुआ तो उसके लिए हमने सांस से बचाव अभियान भी के माध्यम से लोगों में ऑक्सीजन, लोगों में ऑक्सीजन मास्क, लोगों को रेफर करना, यहाँ से जो बाहर से लोग निकल के जा रहे थे अन्य प्रदेशों के, तो उनके लिए गाँव गाँव से हमारे मोहल्लों से रोटियां संग्रह करके यहाँ हमारे रसोई करके प्रारंभ हुई थी जनसभा के सहयोग से, रोटियां इकट्ठी करके देना और वहां से उनको दे, तो ये सतत अपने को मैं भाजपा में तो 2000 में आया, इसके पहले तो मैं विद्यार्थी संघ में था, कोर्ट का लिखता पूरा समय देकर मैंने मराठापुर संभाग, फिर सीहोर भी आया और राजगढ़ भी मेरा केंद्र रहा, फिर प्रांत का वनवासी कार मेरे पास रहा, तो उसमें मैं रहा, फिर मैं तो उसके माध्यम से मैं काम करता आ रहा, शुरू से छात्र जीवन से ही मेरा काम करने का, एक समाज सेवा करने का मुझे आदत में, तो मेरे पास जो आया है मैं उसके साथ खड़ा हुआ हूँ और कोई उसका ना मैं खड़ा रहा हूँ रहूंगा। संतोष पारिक कार्यकर्ताओं के साथ खड़े हैं,
दिल्ली से लेकर भोपाल तक अच्छी पकड़ रखते हैं, लेकिन जब सत्ता की बात आती है हर बार हम देखते हैं कि संतोष पारीख एक दावेदार हैं, लेकिन दावेदार तक ही कहानी रुक जा रही है, तो कहां कमी रह जा रही है इन सारी चीजों में? ऐसा नहीं है, अब पार्टी में हमारी चयन प्रक्रिया है, चयन समिति है और हमारी पार्लियामेंट्री बोर्ड है, वो हर मामले पर विचार करती है, हर मामले पर विचार करती तोलती है, उसके आधार पर फिर निर्णय करती है, तो कुछ कमी नहीं होगी। हमने बोला ना किसी ने कि क्या कमी रह गई, देखो और सुधार करो, और जब तक सफल न हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़ो मत भागो भी, कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है, तो कुछ कमी नहीं होगी उन्होंने मेरे काम में, मैंने इन 5 वर्षों में उनको ठीक करने का प्रयास किया है, उस आधार पर फिर बातचीत कर रहे हैं, पार्टी अगर टिकट देगी तो चुनाव लड़ूंगा, नहीं देगी तो लड़ूंगा, दोनों बातें। भारतीय जनता पार्टी में काफी ज्यादा दावेदार हर बार रहते, इस बार भी दिख रहे हैं, तो क्या स्थिति बनती है, क्योंकि टिकट किसी एक को मिलना है, एक मन में जिसकी टिकट कटती है उसके मन में एक भाव आता है, तो सबको मनाने की प्रक्रिया किस तरीके से फिर चलती है? नहीं चाहिए, तो पिछली बार भी जब आपने मेरा इन टाइम पर हुआ गड़बड़ हुआ, लेकिन मैं तो उसी दिन रात की बात किया, उसे अग्रवाल जी को बुलाया, सांसदी परिषद का सम्मान किया, ओलिंग साहब काम बंद कर लिया, काम कर लिया, अब मांगने वाले 8 है, मिलेगी तो एक कोई, रूपल में देने वाले कोई होंगे तो 8 में से कोई एक ही देंगे, 7 तो कोई ना कोई, तो फिर हमारे यहाँ जब मिल जाती है तो फिर उस पर चूंकि हमारा कमल का फूल चुनाव लड़ता है, ये तय है जी, व्यक्ति तो हमारा जो होता है उसके आधार पर फिर एग्जिट होकर पार्टी भेजती है, पार्टी लगती है, विचार को लेकर काम कर रहे हैं, और उस आधार पर फिर हम जीतते जीतते आ रहे हैं, 3 बार से लगा था। चर्चाओं में यह रहा कि सरताज सिंह जी 2018 में जब कांग्रेस में चले गए थे, संतोष पारीख भी प्रबल दावेदार थे, लेकिन कहीं ना कहीं अंतिम समय में जो है वर्तमान विधायक जो थे उनका टिकट हुआ, तो क्या कहानी रही, कितनी मजबूत दावेदारी थी 18 में भी? ठीक है, बताया ना आपको, चूंकि संगठन ने कुछ इस तरह विचार किया होगा, सोचा होगा, लगा होगा, नगर पर उन्होंने विचार करके वर्मा जी को उपयुक्त समझा, वर्मा जी को टिकट दिया, वर्मा जी जीते, मुझे टिकट देते वैसे तो मैं भी कार्यकर्ताओं की ताकत पर मैं भी जीतता ऐसा था, लेकिन ठीक है टिकट तो किसी एक को मिलेगा, और मैं बोला चुके कई लोग बोलते जाति का, मुझे लगता है कि हमारे यहाँ तो अपने यहाँ मुझे तो लगता है हमारे यहाँ जाति का ज्यादा चलता होगा, तो सरदार सिंह जी, सरदार सिंह जी बिपिन भाई ईमानदारी से तो कितने सरदार जी अपने विधानसभा में 10 भी नहीं होंगे, बहुत कम जी, लेकिन सरदार सिंह जी 2 बार से हमारे यहाँ विधायक रहे, इसलिए जैसे मैं आग्रह कर रहा हूँ, जैसे हम हमारी बहन के लिए बेटी के लिए बर चुनते हैं, लेख बर चुनते हैं, अच्छा बर चुनते हैं कि हमारी बहन बेटी खुश रहे, पसंद रहे, इसी प्रकार हम हमारे क्षेत्र के लिए अच्छा नेता चुने, अच्छी पार्टी चुने, उसके लिए अच्छा नेता, अच्छी पार्टी, पार्टी अच्छी तो भारतीय जनता पार्टी है ही, अब नेता भी भारतीय जनता पार्टी इसको भी टिकट देती है, वो भाजपा के कमल के फूल पर रखते हुए उसको जिताना चाहिए। 2023 में संतोष पारीख की दावेदारी कितनी मजबूत है? फिर भी कुछ तो अंतर आया होगा 18 से 23 के बीच में। लोगों से बातचीत किया है तो मैं चुनाव लड़ना चाहता हूँ, मेरे चुनाव लड़ने की इच्छा है, पिछली बार तो मुझसे बोला गया था कि मुंह में दही जमा था, दही जम जाता था फिर आपको बोलता नहीं है, तो मैं बोला नहीं था, इस बार मैंने अपनी बात केंद्रीय नेतृत्व को, प्रदेश नेतृत्व को, जिले के नेतृत्व को, और यहाँ भी समाज के अन्य वर्गों को, पार्टी ने अपने जो अन्य उनको अपनी बात रखी थी, मैं लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी में काम कर रहा हूँ, विद्यार्थी से भी लंबे समय काम किया है, गांव में लगभग 3 बार 4 बार यहाँ का विधानसभा का, लोकसभा
या विधानसभा हो, उसका इंचार्ज रहा हूं, प्रभारी रहा हूं, गांव गांव से हर वर्ग से मेरा संपर्क या संबंध है, उसके लिए मेरे निवेदन किया है पार्टी को, आग्रह किया है कि मुझे टिकट देना चाहिए पार्टी को। मैंने इस बात का आवेदन किया हुआ और आग्रह किया। संतोष पारीक अगर विधायक बनते हैं तो पहली 5 प्राथमिकताएं सिवनी मालवा विधानसभा क्षेत्र में क्या रहेंगी? पहले सबसे पहले तो मैं हमारी गौ माता जो है, उस गौ माता के लिए जो अन्य गौशाला है, उन गौशालाओं को हमारे सामाजिक अन्य वर्ग और जो युवा ऐसे लोग हैं जो वास्तव में गौ माता को, क्योंकि विभिन्न में बोलता हूँ कि अभी श्रावण मास गया, अधिक मास गया, तो श्रावण मास और अधिक मास में हम शिव जी के मंदिर गए हैं, शिव जी के मंदिर में हमने जल चढ़ाया है, दीप पत्र चढ़ाया है, उनको सिर्फ अपने परिवार की मनोकामनाएं की बात रखी है। और बाहर जो नंदी है, तो नंदी के काम में चाहे वो पत्थर की नंदी हो, चाहे वो पीतल की नंदी हो, चाहे स्टील की नंदी हो, उन नंदी के काम में हमने जाकर अपने और अपने परिवार की मनोकामना की बात रखी है। और उनसे शिवजी से और नंदी से बोला कि हमारे मनोकामना पूरी, लेकिन दुकानदार होल्डिंग नंदी तो हमारे आमने सामने हम रहे बर्दर की दौड़ लगा रहा है, तो भी हमारे मनोकामना पूर्ण कैसे होगी? तो उन गौशालाओं को बहुत अच्छे ढंग से जन सहयोग से, समाज के सरकार के सहयोग से उनको मैं सुव्यवस्थित करूंगा। और एक यहां पर सीनी वालवा में एक आदर्श गौशाला, जो गौशाला अपने पैरों पर खड़ी हुई है, समाज को लगे ये मेरी गौशाला है, सरकार के सहयोग से, समाज के सहयोग से, जन सहयोग से। आप जानो, आप गवाह हो, कोविड काल में यहाँ गौशाला अपने समाज के सहयोग से, नगर पालिका का सहयोग था, हमारे युवाओं का सहयोग था, समाज के सहयोग से हमने प्रारंभ की थी, बहुत अच्छी उसको चली। बाद में ग्राउंड हमने जैसा कहते थे ग्राउंड करके भी युवाओं को भी दिया, एक अच्छी वजह थी। मेरी दत्तात्रेय मंदिर ट्रस्ट वालों से मेरी बात हुई है, फिर उन्होंने 5 एकड़ जमीन बाईपास कर देने की बात रखी है, वो दे रहे हैं। तो उसको लेकर अभी मेरे में जितनी समाज के द्वारा मुझे शक्ति पार्टी द्वारा उसको करते हुए कर रहा हूं, आने वाले समय में मेरे भाग्य में उसको जो भी होगा उसके आधार पर, अगर वो ताकत समाज में करने दी तो उस ताकत पर एक अच्छी गौशाला और वो लोग देखने आएगी, ऐसा एक धन्यवाद एक गौशाला करेंगे। इसके अलावा दूसरा मेरे मन में एक बात है कि हमारा कृषि प्रधान होने के नाते नर्मदापुर और हरदा दोनों जिले में अच्छी मात्रा में गेहूं होता है, तो गेहूं की जो नर्मन होती है बीज का डंठल, तो वो पशुधन के लिए भूसे के रूप में बहुत अच्छा उपयोग में आता है। लेकिन हमारे यहाँ दिक्कत क्या है कि मूंग हमारे किसान को बोना होता है, तो मूंग होने के कारण उस मूंग और गेहूं कटने के पीरियड में कुछ 15 दिन का जो बचता है, 10-12 दिन, उस 15 दिन में अगर उसका कोई उपयोग हो गया तो वो पशुधन के लिए उपयोग हो सकता है। तो उसके लिए मेरी मैंने हेमंत खंडेलवाल जी से मेरी चर्चा हुई, चीजों को लेकर रोहन लागर जी एक सांसद है अपने काम कर रहे, उनसे मेरी बात हुई, एक मैसूर के सांसद गुप्ता जी उनसे मेरी बात हुई थी दिल्ली में बड़े थे, उसके लिए कोई इसका ये कोई अच्छा कॉम्पैक्ट बन गया, ऐसा कोई भेद बन जाए, क्योंकि परिवहन में इसलिए परिवहन में होता है क्योंकि फेरता बहुत होगा, इसका व्याप बहुत होगा, तो ऐसा भेद बन गए इसका बन गए और इसका कोई परिवहन हो ताकि यहाँ हमारा पशुधन वहां पर इसका उपयोग में आ जाए और हमारे यहाँ उस कम समय में कितने अधिक एरिया को हम कवर कर सकते हैं, उसके लिए प्लान चल रहा है, वो करने का मैं विचार है ताकि हमारा ये पशुधन भी और ये किसानों को एक ये जो बार बार हम बात करते हैं ना तो उससे निजात पा दो और ये हमारा उपयोग है। फिर एक बड़ा हमारे चर्चा करते हैं कि युवाओं के लिए कोई रोजगार, उसके लिए ये हमारा जो औद्योगिक क्षेत्र है, इस क्षेत्र में कुछ छोटे छोटे उद्योग हमारे क्या हो सकते हैं जिससे युवाओं को नए नए रोजगार, स्टार्टअप को हमने प्रारंभ किया है, हमने अभी सीखो कमाल योजना प्रारंभ की है, तो उसमें हम छोटे छोटे क्या क्या उद्योग कर सकते हैं वो हम प्रारंभ करने की चुकी नहीं। सर्वे में लंबे समय काम किया तो केंद्र में कई मंत्री मेरे मित्र हैं, प्रदेश में कई मंत्री मेरे मित्र हैं, उनसे सहयोग लेकर हम अपने विधानसभा में हम कितना अच्छा और क्या कर सकते हैं, तो हम विचार करेंगे। तीसरा हमको ये करने का विचार है
सोते हुए दिमाग में ये बात चीज है कि हमें ये शिक्षा जो है तो शिक्षा में हमारे यहां पर ऐसे सेंटर में है जो हमारे यहां आजकल जो भी हम देख रहे हैं कि प्रतियोगी परीक्षाएं होती है, उन प्रतियोगी परीक्षाओं में हमारे बच्चे भोपाल इंदौर कई बार नहीं जा पाते हैं, तो उनके लिए अपन इस प्रकार का एक ऐसा सेंटर बनाए जो आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी उन बच्चों को वो पहले से यहां करा के रखे। तो अपने क्षेत्र के लोगों को ये पटवारी परीक्षा आ रही है, आपकी अन्य आपकी जो अन्य परीक्षाएं होती है, तो उन परीक्षाओं की तैयारी हम ऐसे बच्चों को यहां कराएंगे ताकि वो बच्चे अन्य बच्चों की तुलना में उनके साथ खड़े दिखे। तो उसकी तैयारी में उसका एक सेंटर ही बनाएंगे और उसमें अच्छे टेक्निकल लोग लाके उनकी हम उसमें तैयारी। ये आपकी प्राथमिकताएं हो गई, लेकिन वर्तमान समय में एक चीज और हमने सिवनीमालवा विधानसभा में देखी है कि अफसरशाही निरंकुश हो रही है, भ्रष्टाचार बढ़ रहा है। अगर संतोष पारिक विधायक बनते हैं तो इन सारी चीजों पर कैसे नकेल कस जाएगी? मैं आपको एक बात बता दूं, आप रमेश यादव जी से जाके पूछो, आप मनीष अग्रवाल जी से जाके पूछो, आप शिवराम लोगों जी नाम बोलो शिवराम लोगों जी से जाके पूछो, ऐसे कई लोग जिन्होंने अपने काम कराने के लिए उनसे पैसे लोगों ने ले लिए थे, उनकी रिश्वतें पुरानी मैंने वापस कराई है, पुरानी रिश्वतें वापस कराई है। मैं आज भी आपको आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूं, मुझे कहीं का बोल दे कि फलाने व्यक्ति को मैंने फलाने काम कराने के लिए पैसा दिया है और उसने मुझसे पैसा लिया, लेकिन बोल दे उसको मैं पैसा उसका वापस कराऊंगा। अभी कराया है ये, अभी मैं विधायक था नहीं जी, अभी मैं कार्यकर्ता रहकर मैंने कराया। अभी आप बुलाओ, आप पूछ सकते नाम कॉल किया जाकर पूछिए आप ये। हाँ, तीसरा एक रमेश नल वाले ये हैंडपंप लगाते हैं कौशल, देवी यादव जी गवाह है उसके, इनके थाने में वापस कराई, तो इनकी मैंने रिश्वतें दी ही वापस कराई। लेकिन कहीं आके बोले मेरे को बोले कि मेरे से फलाने अधिकारी ने इस काम के लिए मुझसे पैसा ले लिया है, लेकिन मैं बराबर और मैं तो बोलता हूं कि मेरे अगर किसी को बोला है तो उसका काम होगा तो निःशुल्क होगा, निःशुल्क ही होगा। आज ये स्थिति है, जब आप कार्यकर्ता हैं विधायक बन जाएंगे तो लोगों को इन सारी चीजों का समस्याओं का सामना ना करना पड़े, उसके लिए क्या किया जाएगा? अधिकारी सभी मार्टी के साथ चर्चा होती रहना चाहिए, उनके कामों की समीक्षा होती रहना चाहिए, हर महीने उनकी एक आने वाला क्या काम होने वाला है उसकी उसके कार्यक्रम की तैयारी, और वो काम अगली बार जब हो तो उसकी समीक्षा की जो अपन ने महीने भर में तय किया था वो कितना आगे पहुंचा, कितना क्या रह गया और आने वाले समय में और क्या होने वाला है, उसकी समीक्षा बैठकर निरंतर होते रहना चाहिए। हर विभागों की मॉनिटरिंग और समीक्षा दोनों होना चाहिए, उसके लिए हमारे सरकार भी निर्णय तुमने बोला हमने सबका प्रयास, तो सबका प्रयास जब सब लोग मिलकर करेंगे कि भाई मैं सूरज बनकर समुचित पृथ्वी को रोशनी नहीं दे सकता, कोई नन्ना सा दीपक को जला सकता हूं, तो नन्ना सा दीपक जलाकर चलो जलाए दीप वहां जहां अभी भी अंधेरा है, उस अंधकार को दूर करने के लिए हम दीपक जलाए। एक आखिरी सवाल कि भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ता सबसे महत्वपूर्ण कड़ी माना जाता है, आपने भी बतलाया और कई जगह से चीजें आई, तो संतोष पारिक कार्यकर्ताओं के लिए कितने हद तक खड़े हुए हैं अपने कार्यकर्ताओं के लिए, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं के लिए? एक तो पूरे चट्टान जैसा कार्यकर्ता के साथ खड़ा हुआ हूँ, खड़ा रहा हूँ, खड़ा रहूंगा, खड़ा हूँ, खड़ा रहा हूँ, खड़ा रहूंगा। जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे चुनाव को लेके, अगर संतोष पारिक? मैं हाथ जोड़कर सभी जनता जनार्दन जो मुझे सुन रही है जहां तक मेरी आवाज पहुंच रही है उनसे मेरा अनुरोध है कि बहुत अच्छा अवसर है भारत को स्वर्णिम बनाने का, बहुत अच्छा अवसर है प्रदेश को और अपने क्षेत्र को स्वर्णिम बनाने के लिए, क्योंकि आपको मालूम है कि हमारा क्षेत्र पहले कैसा था,
पहले हमारे क्षेत्र में भी जैसे जम्मू पाकिस्तान हिंदुस्तान जैसा कुछ मामले होते थे, हमारे क्षेत्र में भी हम कहीं ना कहीं भागे में बैठे हुए थे, बोलने की स्वतंत्रता नहीं थी, करने की स्वतंत्रता नहीं थी, बात रखने की स्वतंत्रता नहीं थी। आज हम वास्तव में प्रजातंत्र के रूप में हम हीरे हैं, अपनी बात रख सकते हैं, अच्छे ढंग से रख सकते हैं, और उसके लिए ये जो भाईचारा स्वभाव हमारे यहां से बना हुआ है वो बना रहे। विकास समृद्धि और खुशहाली केंद्र सरकार की योजनाओं के माध्यम से, प्रदेश सरकार की योजनाओं के माध्यम से, चाहे नरेंद्र मोदी जी की सरकार की योजनाएं हो, चाहे माननीय शिवराज सिंह जी की सरकार की योजना है, वो योजनाएं आपके लिए बनी हुई है, आप तक बनी हुई है, और उन योजनाओं का लाभ आपको मिले, निरंतर मिले। आने वाले समय में जो भी और योजनाएं आपके लिए बनने वाली है वो और अधिक बने, इसके लिए आप विकास को चुने, समृद्धि को चुने, खुशहाली को चुने, और अपने आने वाले बच्चों के भविष्य के लिए आप भारतीय जनता पार्टी के कमल के फूल पर मतदान करके प्रदेश में और देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाए। ये मेरा आपसे निवेदन है, आग्रह। हमारे कार्यक्रम में शामिल होने के लिए धन्यवाद। जल्द ही हम मिलते हैं अगली राजनीतिक शख्सियत से थोड़े ही दिनों में।